पढ़ना लिखना सीखो ए दोस्तो, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम मंजिलें और भी हैं में। तो हाजिर हूँ मैं आपको ले जाने के लिए देश के ऐसे ही क्षेत्र में जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में वो हासिल नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। ऐसा ही एक जिला पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। साक्षरता में आज भी महिलाएं काफी पीछे हैं। महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। 2001 में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 35.13 थी। ये आंकड़े साफ तौर पर ये सारी हकीकत बयां करते हैं। लेकिन एक महिला जो अपने घर में ही साक्षर हुई और अपनी बहू से साक्षर हुई और इन्हीं साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से मुझे मालूम है कि उनसे मिलने को आप सभी बेचैन हो रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। वो साक्षर महिला हैं बलजीत कौर, जिन्होंने साक्षर होने के पश्चात पूरे गाँव और अपने विकास खंड में अपना नाम रोशन किया है। आज वो समाज सेवा में लगी हैं और लोगों को साक्षरता के महत्व को बताते हुए गली गली जाकर निरक्षर महिलाओं को साक्षरता केंद्र की ओर लाने में लगी हैं। अच्छा अच्छा, मैं अब थक गई हूँ उनकी तारीफ करते करते। आपको लेकर चलते हैं बलजीत कौर के गांव गिधौर और आप खुद ही देख लीजिए कि कैसे वो अपने इस सपने को साकार करने में लगी हुई हैं। बलजीत कौर जो अपनी उम्र के 55 बरस पूरे कर चुकी हैं, जिंदगी की ज्यादातर जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी हैं। घर के अलावा ये समाज के लिए कुछ करना चाहती थी। क्योंकि बलजीत कौर एक गांव की रहने वाली हैं, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। जब जब उन्होंने किसी गांववासी को अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भागते देखा तो हर बार यही लगा कि क्यों ये अपने हकों से महरूम है। इसी सब के चलते उन्होंने समाज के लिए कुछ करने का सोचा और अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया। लेकिन उनके सामने एक समस्या ये आई कि बलजीत कौर पढ़ी लिखी नहीं होने की वजह से अपने काम को सही से अंजाम तक नहीं पहुंचा पा रही थी। लेकिन उनकी इस समस्या का हल यूं निकल आएगा, इससे बलजीत भी वाकिफ नहीं थी। बलजीत कौर को साक्षर करने का गौरव हासिल किया उनकी ही बहू सिमरन कौर ने। जो मेरी मदर इन लॉ है वो एक्चुअली अनपढ़ थी, लेकिन उनके अंदर पढ़ने लिखने की इतनी इच्छा थी कि वो कभी न्यूज़पेपर देखती थी या कभी बुक्स वगैरह देखती थी। तो मुझे भी लगता था कि शायद ये कुछ पढ़ना लिखना चाहती है। मैंने उनसे पूछा क्या पढ़ना चाहते हैं, तो मम्मी बोली हाँ मैं पढ़ूंगी। तो मम्मी को मैंने अपने घर पे थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। उसने मुझे पढ़ाया। जब उसने पढ़ाया तो मैंने ये शर्में करी कि मैं बच्चों वाली हूँ या मैं दमाद वाली हूँ या मेरी एज इतनी हो चुकी है। तो मुझे यही अच्छा लगा कि मैं कम से कम पढ़ के साक्षर बनूंगी और अपने हकों को, जैसे मेरे पति ने फौज में लड़कर अपने भारत की मदद करी, अपने देश की रक्षा करी, और मैं भी चाहती थी कि मैं अपनी महिलाओं को जागरूक करूं और उनके हकों को दिलवा पाऊं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा जिले में साक्षरता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। जब ग्राम गिधौर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ तो बलजीत कौर ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हीं की बहू को प्रेरक बनाकर घर में ही केंद्र चलाने की शुरुआत की गई। ये वो कदम था जिसके चलते पूरे गांव का भला होने वाला था। बलजीत कौर ने अपनी बहू से पढ़ने का सिलसिला शुरू किया। तब उन्हें एहसास हुआ कि सबकी समस्याओं का समाधान साक्षरता ही है। अगर सभी साक्षर होंगे तो ये अपनी जिंदगी ज्यादा अच्छे से गुजार सकते हैं, साथ ही अपनी सारी समस्याओं का समाधान स्वयं ही कर सकते हैं। जब मैंने पढ़ लिया तो मेरे में और हिम्मत बढ़ गई। मैंने ये सोचा कि अपनी बहनों का, मैं अकेली तो कुछ नहीं कर पाऊंगी ना, तो चार बहनें मेरे साथ में, हम लोगों ने बैठना शुरू किया, गांव के बारे में थोड़ी सी देखा कि कौन इच्छुक होता है पढ़ने के लिए और कोई काम करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। हम लोगों ने कहा लोग इतना कर रहे हैं काम, हम लोग महिला भी कर सकते हैं। बलजीत जो कि पूरे गाँव में अपने कार्यों के लिए पहचानी जाती थी, उन्होंने पूरे गाँव में घूम घूम कर महिलाओं को साक्षरता से जोड़ने के लिए
कड़ी मेहनत की और घर घर जाकर महिलाओं को इकट्ठा करना शुरू किया। अपने ही घर में खोले गए साक्षरता केंद्र पर ज्यादातर महिलाओं को इकट्ठा करने में वो सफल हुई और साक्षरता का सिलसिला चल निकला। आंटी बोली, बेटा पढ़ो लिखो, पढ़ना चाहिए। और कहीं जाती है, कहीं ऐसे घूमने जाती है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं, कहीं भी चली जा सकती है। तो हमने की आंटी जरूर जो तो बात कायदे की है, तो हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन इस केंद्र का आकर्षण स्वयं बलजीत कौर ही थी, जो एक नई रिवायत और एक इतिहास लिखने का काम कर रही थी। अपनी बहू द्वारा पढ़ाए जाने पर वो सिर्फ खुशी नहीं थी, बल्कि इस बात को उन्होंने हथियार की तरह इस्तेमाल भी किया और सारी महिलाओं को इस बात से प्रेरणा दी कि देखो, मैं अपनी बहू से इस उम्र में पढ़ सकती हूँ, तो आप लोग साक्षरता केंद्र क्यों नहीं जा सकते। इस बात ने महिलाओं पर जादू की तरह काम किया और ज्यादातर महिलाएं साक्षरता कक्षाओं में आने लगी। जब मेरी मम्मी को अपने पढ़ाना शुरू किया तो मम्मी पढ़े, थोड़ा सा पढ़े, लोगों ने मम्मी से पूछा कि आप पढ़ लेते हो, कहते मेरे इस काम में मेरी मम्मी ने मेरा बहुत सहयोग दिया। और मेरे हस्बैंड ने भी लोगों से कहा कि अगर आप लोगों के मतलब पढ़ने की इच्छा है तो आप आइए पढ़िए। मम्मी का कहते गाँव में संपर्क है अपना, तो मम्मी ने लोगों से कहा अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो हमारे घर पे साक्षरता का केंद्र शुरू होने वाला है, आप उसमें आके पढ़िए। बात महिलाओं के अधिकारों की हो या फिर समाज में फैली कुरीतियों की, बलजीत कौर उसके खिलाफ हमेशा ही लड़ने को तत्पर रहती। उनके सामने कभी भी कोई मुश्किल आई तो उसकी वजह रही उनका पूर्ण साक्षर न होना। इस बात का एहसास उन्हें हमेशा रहा, लेकिन अपनी बेटी जैसी बहू को पाकर उसी के हाथ से कलम पकड़कर लिखना पढ़ना सीखा। ये उस समाज के लिए सबक था जिसने सास बहू के रिश्ते को कड़वाहट का रिश्ता बना दिया। बलजीत कौर ने पढ़ना लिखना जारी रखा और ये सिलसिला यूं चलता रहा। गांव की महिलाएं भी यूं ही पढ़ती रहीं। अपनी बहू से पढ़ने की इस बात को बलजीत कौर ने हर जगह ऊंची आवाज में कहा। मकसद एक ही था, खुद साक्षर होना और साक्षरता के लिए एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकूं जिससे प्रेरणा लेकर निरक्षर महिलाएं और पुरुष साक्षर होने के लिए साक्षरता की ओर कदम उठा सकें। बलजीत कौर की आंखों के पीछे एक नेक मकसद था और मकसद को उन्होंने बहुत हद तक पूरा कर दिखाया है। साथ ही स्वयं को साक्षर कर अपने इरादों में एक मजबूती और दे दी है जिससे समाज के लिए और बेहतरी से काम कर सकें। सिमरन से पढ़ना उनके लिए एक अलग ही एहसास रहा। साक्षरता केंद्र में सभी महिलाओं के साथ रुचि से पढ़ना और जिन महिलाओं को पढ़ने में कोई भी समस्या आती तो उनकी मदद आगे बढ़कर करना, सिमरन के लिए भी ये कोई कम खुशी की बात नहीं थी। जब उसने अपनी सासू माँ को पढ़ाना शुरू किया, उसे आज भी वो मंजर याद है जब पहली बार माँ ने सिमरन से पढ़ने की इच्छा जाहिर की थी और उसे पढ़ाने को कहा था। आज वो अपने केंद्र से लगभग 30 निरक्षर महिलाओं को साक्षर कर चुकी हैं, जिसमें उनकी सासू माँ भी शामिल हैं। पहले 2-3 लोग आते थे, फिर 5-6, धीरे धीरे करके उनकी संख्या बढ़ गई। उसके बाद उत्तर साक्षरता में 30 लोगों को पढ़ाया। कहते अब ये लोग कहते इतना जानते हैं कि ये लोग चिट्ठी पढ़ लेते हैं, अपने बैंक के जो थोड़े बहुत काम कागज होते हैं वो कर लेते हैं और अपना नाम लिख लेते हैं। सास बहू का ये रिश्ता वाकई एक मिसाल सा लगता है। दोनों माँ बेटियों की तरह रहते हैं, पूरा काम मिलकर साथ करते हैं। उसके साथ ही ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला भी चलता रहता है। आज बलजीत कौर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हैं। आज एक सुखी परिवार की तरह जीवन यापन कर रही हैं और अपना खाली समय अपनी प्यारी सी पोती के साथ गुजारना पसंद करती हैं। बलजीत कौर आज पूर्ण साक्षर हो चुके हैं और इसका सारा श्रेय वो अपनी बहू सिमरन को देती हैं, जिसके हाथों के सहारे उन्होंने इस उम्र में पढ़ना लिखना सीखा और उन्हीं हाथों के सहारे को वो अपनी खुशकिस्मती समझती हैं। बलजीत कौर जिला साक्षरता समिति के कार्यों को सराहना नहीं भूलती, जिसके चलते न जाने कितने ही निरक्षर साक्षर हो रहे हैं और समाज में बेहतर ढंग से जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा ये साक्षरता कार्यक्रम यूं ही चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश पूर्ण साक्षर होगा। क्या बात है, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि बोलूं तो बोलूं क्या। जहां साक्षर बहू निरक्षर सासू माँ को साक्षर कर रही है, यकीन मानिए ऐसे रिश्ते सिर्फ हिंदुस्तान में ही देखने को मिल सकते हैं। भाई वाह सिमरन और बलजीत कौर की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। पूरे समाज के लिए इन लोगों ने एक उदाहरण दिया है जहां एक सास अपनी बहू से पढ़कर साक्षर हो रही है।
लेकिन अभी दिल और अपनी भावनाएं संभाल कर रखिए क्योंकि हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो पूरे देश के लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें अलग अलग प्रजाति के लोग निवास करते हैं और इसकी सीमाएं तीन प्रदेशों से मिलती हैं, पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में महाराष्ट्र और दक्षिण में आंध्र प्रदेश। कहते हैं कि इसका नाम दंतेवाड़ा माँ दंतेश्वरी के नाम पर पड़ा, जो कि इसके नाम से प्रतीत होता है। लेकिन साक्षरता की बात करें तो यहाँ की स्थिति भी कुछ खास नहीं थी। इसके बावजूद एक व्यक्ति जिसने साक्षरता के महत्व को न सिर्फ समझा बल्कि आज निरक्षरों को साक्षरता के महत्व को बताने के साथ साथ उन्हें साक्षर करने में लगे हुए हैं। इस शख्सियत का नाम है सुकड़ाराम तारम। मैं इनके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, आप खुद ही देख लीजिए। सुकड़ाराम तारम एक ऐसा शख्स है जिस पर शायद खुदा की भी सीधी नजर नहीं हुई, मगर आज इस इंसान को न तो खुदा से कोई शिकायत है और न ही दुनिया वालों से, क्योंकि आज सुकड़ाराम को इस बात की तो तसल्ली है कि खुदा ने उसे पैरों से महरूम रखा। तो क्या उसके दिल में जो हौसला दिया, जो हिम्मत दी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुकड़ाराम ने उस हिम्मत और हौसले को कभी भी टूटने न दिया। सुकड़ाराम तारम ने अपना रास्ता बचपन से ही तलाशना शुरू कर दिया और सहारा लिया साक्षरता का। उसने गांव से अपनी शिक्षा शुरू की और बाद में आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त की और 12वीं उत्तीर्ण कर अपने गांव आ गए। 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद मैं आश्रम चला गया सर, बारसूर में पढ़ाई करने के लिए। तो उस समय कोई पढ़ते ही नहीं थे, दो चार लोग ही पढ़ते थे और अभी तक अब भी पढ़ रहे हैं। उस समय मैं अकेला ही, मतलब इस पारा के अंतर्गत में 12वीं पढ़ा हूँ। और मैं ये नहीं सोचा कि यहाँ से वहाँ तक भी पढ़ते समय भी पैदल ही जाता था सर। मेरे को ये मैं एकदम ठान के रखा था कि मैं किसी भी हालत में पढ़ूंगा, मेरे को 12वीं तक पढ़ना ही है। अपने गांव के लोगों की दशा देखकर उनके दिल में एक टीस सी उठती थी कि काश मैं इन सब के लिए कुछ कर पाता, और उनका ये ख्वाब भी पूरा होते देर नहीं लगी। वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए जा रहे साक्षरता कार्यक्रमों से जुड़ गए और उन्होंने संपूर्ण साक्षरता और उच्च साक्षरता के अंतर्गत लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत ही दंतेवाड़ा जिले में ज्ञानगुड़ी कक्षाएं प्रारंभ की गयी। सुकड़ाराम तारम ने ज्ञान दूत बनकर ज्ञानगुड़ी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर अपना सफर शुरू किया, मगर ज्ञान दूत के इस सफर में रुकावटें और मुश्किलें भी कम नहीं थी। जो इनकी वास्तविक घटना बताना पड़ा इनको कि आप लोग जहाँ पे या ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी जो कार्य होती है तो उस कार्य को आप अनपढ़, सामने वाला ऑटोमेटिक समझ लेता है कि अनपढ़, ऐसा करके आप लोगों का काम को रुक देते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसा करके आप लोगों को अनपढ़ होने के नाते ही ऐसा करते हैं करके इन लोगों को, गाँव वालों को। वहीं इस इंसान ने ये दिखा दिया कि अगर आप में कोई जज्बा है तो आप तकदीरें बदल सकते हैं, अपनी ही नहीं दूसरों की भी। अपने साथ साथ पूरे गांव को साक्षर करने का प्रण लिए वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे हैं। उनके रास्ते में न तो कभी उनकी विकलांगता आई और न ही कोई मजबूरी। सुकड़ाराम ने तब भी किसी मजबूरी का सहारा नहीं लिया जब गाँव वालों ने उन्हें बेवकूफ कहकर दुत्कार दिया, जब ये कहा कि अब हम लोगों की उम्र श्मशान में जाने की है और तुम मुझे पढ़ाने चले हो। मगर सुकड़ाराम तारम ने हार नहीं मानी और उन सबको वो हकीकत दिखाई जिसे आज तक गांव वाले समझ ही नहीं पाए थे। तो अब हमारे बच्चों लोगों को भी, वो लोग जा रहे हैं उन्हीं लोगों को पढ़ाओ, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ऐसा बोलते थे। तो हम लोग फिर निराश हो जाते थे कि हम नहीं आएंगे, हमारा ये जरूरी काम है कि कहीं हमको बाजार जाना है। अरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम अभी तो मरने वाले हैं, क्या हम पढ़ना चाहिए, सब पालतू, ऐसा ऐसा बोलते थे। तो हम लोग फिर से जो है बैठक करके इन लोगों को हर जगह, जहाँ भी एक व्यक्ति भी मिलते थे तो वहाँ पर भी हम लोग बोलते थे कि आप साक्षरता केंद्र में जरूर आइए। लेकिन अभी ये रास्ता इतना आसान नहीं था। जब उन्होंने कुछ लोगों को पढ़ने के लिए राजी कर लिया तो मुश्किल आई समय की, क्योंकि गांव वालों को दिन में खेत में काम कर अपना गुजारा करना पड़ता है। तारम ने इस मुश्किल का समाधान भी चुटकियों में कर दिया। अब उन्होंने उन लोगों को रात में पढ़ाने का फैसला किया और फिर कक्षाएं लगानी शुरू कर दी। जब लोगों में पढ़ने के प्रति रुचि बढ़ने लगी तो रात के साथ साथ दिन में कक्षाएं लगानी शुरू कर दी।
आज पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी उनकी कक्षाओं में आकर पढ़ते हैं। साक्षरता के प्रति इनकी रुचि देखते ही बनती है। अभी तक सुकड़ाराम तारम संपूर्ण साक्षरता के अंतर्गत 25 लोगों को साक्षर कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ वो 20 और लोगों को उच्च शिक्षा के अंतर्गत साक्षर कर रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 7 लोगों को 5वीं की परीक्षा दिलवाई, जिसमें से सभी ने इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण भी किया। गांव वालों को साक्षर करने की खुशी इनके चेहरे पर बखूबी देखी जा सकती है। पिछले की परीक्षा में 3 लोग पास हुए थे, 5वीं में 5वीं पास हुए, उनका रिजल्ट आया और सबके सामने रिजल्ट बांटा सर में, तो और भी खुश हुए कि हम अभी वाला परीक्षा में फिर देते हैं। और फिर अभी 3-4 लोग और पास हुए, तो और उस दिन बांटा तो और खुश हुए हैं कि अभी के बार हमको भी गुरु जी हमको भी फॉर्म भरवाइए और अभी के बार हमको भी 5वीं परीक्षा में बिठाइए। ऐसा इनके साहसी कार्य को देखते हुए उन्हें अपने ही विकास खंड के एक स्कूल में पढ़ाने का मौका दिया गया। तारम ने इसे अपनी इज्जत अफजाई समझते हुए स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया और आज जब तारम स्कूल में दाखिल होते हैं तो अपने प्रति बच्चों का प्यार और सम्मान देखकर अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा भाग्यशाली इंसान समझते हैं। सुकड़ाराम तारम की जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सबको साक्षर करना। ये गांव के लोगों में तरह तरह से साक्षरता के प्रति रुचि पैदा करते हैं। कहीं लोगों को साक्षरता के गीत गाकर प्रोत्साहित करते हैं। तो कभी घर घर जाकर लोगों को साक्षरता का महत्व समझाते हैं और सभी से कक्षाओं में आने का अनुरोध करते हैं। सुकड़ाराम तारम तो वो भी बहुत मेहनत से, बहुत लगन से साक्षरता कक्षाओं में पढ़ाता है, घर घर जाता है, लोगों को इकट्ठा करता है। विकलांग होने के बावजूद उसमें इतना हौसला है, इतना हिम्मत है कि वे सभी लोगों को बुला के विद्या अध्ययन के लिए प्रेरित करता है। तारम बड़े ही अनोखे और अपने ही अंदाज में लोगों को पढ़ाते हैं, जिससे गांव वालों को सारी बातें आसानी से समझ में आ सके। तारम ये बताना नहीं भूलते कि वो अपना जीवन लोगों को साक्षर करने में ही बिताएंगे, चाहे फिर सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चले या बंद हो जाए। जब तक इन लोग साक्षर पूर्ण नहीं होंगे तब तक मैं साक्षरता में जुड़े ही रहना चाहता हूँ सर। मैं चाहे शासन तरफ भी योजना भी नहीं भी बंद भी हो जाए तो मैं साक्षरता चलाऊंगा ही। इनकी आंखों में अगर कोई ख्वाब है तो वो है साक्षरता, साक्षरता, साक्षरता। जिंदगी यूं चलती रहेगी, सारे सफर यूं ही चलते रहेंगे, मगर किसी मकसद के बगैर नहीं। क्यों ना हम भी अपने जीवन में सुकड़ाराम तारम की तरह कुछ मकसद शामिल कर लें? तो आइए अपने साथ साथ दूसरों को भी उन्नति के पथ पर ले चलें। मैं तो बस यही कहूंगी, सुकड़ाराम उस फौलाद जैसे हौसलों वाला व्यक्ति है जो किसी भी पहाड़ से टकरा सकता है। साक्षरता के लिए ऐसा समर्पण बहुत कम देखने को मिलता है। विकलांगता को दरकिनार करते हुए खुद को साक्षर करने के बाद आज वो पढ़ने पढ़ाने के इसी नेक मकसद में लगे हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आदिवासी क्षेत्र की कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने सिर्फ अपने आप को साक्षर ही नहीं किया है बल्कि अपने आप को रोजगार से भी जोड़ा है। हम आपको ले चलते हैं झारखंड के लोहरदगा जिले के एक गाँव तेतरडांड, जहाँ शिक्षा के नाम पर शायद ही कुछ आपको मिल पाता, मगर आज इस गांव की महिलाओं ने साक्षरता कक्षाओं से साक्षर होकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। आइए मिलते हैं इन महिलाओं से कि कैसे इन्होंने साक्षर होकर रोजगार से अपने आप को जोड़ा। ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं वरन एक ऐसे गांव की है जो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने की वजह से हमेशा निरक्षरता से जूझता रहा था। ये लोग अपनी जिंदगी खेतों में काम करके और कड़ी मेहनत मशक्कत करके ही गुजारते रहे हैं। निरक्षर होने के कारण ये लोग अपने अधिकारों के बारे में तो दूर अपने खुद के बारे में भी नहीं जान सके। वो गरीबी की मार से बदहाल जिंदगी गुजारने पर भी मजबूर थे और इन लोगों की स्थिति का अगर कोई जिम्मेदार था तो वो खुद इनका निरक्षर होना। इन लोगों ने निरक्षर होने की न जाने क्या क्या कीमत चुकाई है, मगर कहते हैं कि रात के बाद सुबह निश्चित है। वो सुबह थी जब इनके गांव में साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की गई और लोगों को साक्षरता के मूल्य से अवगत कराया गया। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा चलाए गए साक्षरता कार्यक्रमों को
लोहरदगा जिले में बड़े ही जोर शोर से शुरू किया गया। साक्षरता कार्यक्रमों के जरिए इनके जीवन में परिवर्तन लाने का भरसक प्रयास किया गया और वो परिवर्तन दिखाई भी दिया। देखे एक दूसरे गांव में तो हमको भी लगा कि हम भी हमारा गांव को इस तरह का विकास कर लेंगे, कह के मेरा मन में हम सोच रखे हैं। गांव में साक्षरता कक्षाओं की शुरुआत की गई और कक्षाओं में पढ़ाने की जिम्मेदारी ली सावित्री उरांव ने, जो आज सफलतापूर्वक ग्रामवासियों को साक्षर तो कर ही रही हैं। साथ ही 2005 में शुरू की गई लाइब्रेरी का संचालन भी सफलतापूर्वक कर रही हैं। ये पुस्तकालय उन्हीं लोगों के लिए है जो निरक्षर हैं और धीरे धीरे साक्षर हो रहे हैं। साक्षरता कर्म में हमारे जोश देने लगे तो मैंने काम आगे चलते रहा और 2005 से हम लोग का ये लाइब्रेरी खुलल है। पहले तो एकदम नहीं के बराबर आते थे, उसके बाद में कुछ वो लोग को देखते देखते ही आना शुरू किए और धीरे धीरे इसमें इकट्ठा होने लगे। मगर साक्षरता कक्षाएं चलाना इतना आसान नहीं था। सबसे मुश्किल काम था लोगों को कक्षाओं तक लाना और शिक्षा के महत्व को समझाना। सावित्री उरांव ने अपनी मेहनत से न सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी साक्षरता कक्षाओं तक लाने में सफलता प्राप्त की। धीरे धीरे शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आई और एक एक करके पुरुष और महिलाओं ने साक्षरता कक्षाओं में आना प्रारंभ किया और देखते ही देखते ये तादाद बढ़ती चली गई। पढ़ना चाहते है नहीं पढ़ना चाहते है, पहले का युग तो अभी नहीं है, अभी साक्षर का युग होने जा रहा है, इसी ऐसा कह के माने महिला लोग को कुछ बोले, उसके बाद में ही ये सब में पढ़ाने का इंटरेस्ट रखे और लग रहा है कि हमारे गांव को भी हम साक्षर करेंगे, यही ध्येय लेके नव अभियान में जुट गए। आज कक्षाओं में महिलाएं और पुरुष दोनों ही बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ते हैं। उसी के कारण ये लोग साक्षरता कक्षाओं में स्वयं सहायता समूह बनाने को प्रेरित हुए कि कैसे ये आपस में एक समूह बनाकर कुछ बचत करके आगे बढ़ सकते हैं। लोगों को समझाने के बाद कुछ महिलाएं तैयार हो गईं और उसके बाद उन्होंने आपस में ही कुछ महिलाओं को चुनकर 12 महिलाओं का एक समूह बनाया और नाम दिया झरना महिला समिति, जो आज सफलतापूर्वक चल रहा है। झरना महिला समिति आज वार्मिंग कंपोस्ट यानी केंचुआ खाद का उत्पादन कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। इसी तर्ज पर और भी न जाने कितने ही स्वयं सहायता समूह हैं जो इसी गांव की महिलाओं द्वारा सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। ये सभी महिलाएं इन्हीं साक्षरता कक्षाओं में आकर साक्षर होकर समूह बनाने में कामयाब हुई हैं और आज सफलतापूर्वक उनका संचालन भी कर रही हैं। ऐसा ही एक स्वयं सहायता समूह है कमल महिला लोक समिति, जो आज कामयाबी की बुलंदियों पर है। झरना महिला समिति की ही तर्ज पर इसका भी गठन किया गया। इसी गांव की महिलाएं साक्षरता कक्षाओं में अपनी भागीदारी देकर साक्षर हुईं और समूह बनाने में भी सफल हुईं और आपस में बचत कर काम की शुरुआत की गई और काम चुना गया मुर्गी पालन। समूह की इन 10 महिलाओं ने गांव में ही एक छोटी सी जगह को चुनकर मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। उनकी इस कामयाबी को देखते हुए बैंकों ने भी इनको भरपूर सहयोग दिया। झरना महिला समिति की महिलाओं ने जब ठीक ठाक पैसा जोड़ लिया तो अब बारी थी काम शुरू करने की। अपने क्षेत्र के ब्लॉक की मदद से बैंक ने 25,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे काम में और तेजी आई। आखिर में अच्छा मुनाफा कमाया और धीरे धीरे बैंक लोन की सारी राशि वापस कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद बैंक ने 84,000 रुपए का और ऋण दिया और इन महिलाओं ने अपनी मेहनत और लगन से उस पैसे को तो वापस किया ही, साथ ही अच्छा लाभ भी कमाया। इसी तरह कमल महिला लोक समिति स्वयं सहायता समूह भी पीछे नहीं रहा और बैंक ने 2 बार में इन्हें 1,97,500 रुपए का लोन दिया। इसका उपयोग इन लोगों ने मुर्गी पालन के व्यवसाय में किया और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। आज ये समूह भी ऋण की सारी राशि बैंक को वापस कर चुका है। इनकी इस कामयाबी की खुशी इन महिलाओं के चेहरे पर बखूबी देखी जा सकती है। ये सभी महिलाएं इस बात को नहीं भूलती
कि अगर ये साक्षरता कक्षाएं न चलाई जाती तो शायद ये कभी मुमकिन न हो पाता। इन साक्षरता कक्षाओं में आने की बदौलत ही आज ये अपना और अपने बच्चों का आने वाला कल खूबसूरत बना सकी हैं। वरना जिंदगी यूं ही खेतों में मजदूरी करते गुजर जाती और ये कभी भी अपने अस्तित्व को तलाश ही न पाती। आज इनकी सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। साफ सफाई क्या होती है, शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, ये सब ये बातें आज जान चुकी हैं। अब गांव की हर महिला अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं भूलती। साक्षरता कक्षाओं के जरिए ये महिलाएं अपनी किस्मत लिखने में खुद सफल हुई हैं। ये अपनी इन छोटी छोटी खुशियों को अपने ही अंदाज में मनाती हैं। इसका गवाह है इनका ये नृत्य। कहते हैं जिंदगी मौका सबको देती है, पर ये मौके हमें खुद तलाशने होते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। दोस्तों, तो देखा, दूर दराज के पहाड़ों के बीच बसे इन निरक्षर लोगों ने अपने आप को साक्षर कर अपने लिए नए नए रास्ते तलाश लिए हैं। आज ये लोग खेतों में मजदूरी नहीं, स्वयं का काम करते हैं और अपने जीवन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा का कोई मूल्य नहीं और ना ही उसका कोई विकल्प है। मुझे उम्मीद है कि हमारा आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। पढ़ना लिखना सीखो ऐ दोस्तों, पढ़ना लिखना सीखो मेरी बहनों। कितने जीवन बदल गए और कितने बदल रहे हैं, पढ़ लिख कर कितने लोगों को नई राह मिल गई है। मंजिलें और भी हैं, मंजिलें